भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज भी हमारा देश दुनिया के कई गरीब देशों से भी पीछे है। पर कैपिटल इनकम में 192 देशों की लिस्ट में भारत 142nd पोजीशन पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत भूटान, अंगोला और कई गरीब दक्षिण अफ्रीकी देशों से भी नीचे है। इतना ही नहीं, दुनिया में जो बड़ी अर्थव्यवस्था के देश हैं उनमें सबसे कम पर कैपिटल इनकम भारत के ही लोगों की है। अगर हम इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका, जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से करें तो उनके कंपैरिजन में इंडिया की पर कैपिटा इनकम अमेरिका, जर्मनी से 17 से 20 गुना कम है। जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक व्यक्ति की एवरेज इनकम एनुअली $80,035 है, वहीं भारत में एक आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ $2,601 है। अगर जर्मनी से कंपेयर किया जाए तो वहां की पर कैपिटा इनकम भारत से करीब 20 गुना ज्यादा है, तो वहीं ब्रिटेन की 18 गुना ज्यादा। जापान और इटली के लोग भारत के लोगों से 17 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। रिपोर्ट में भारत की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कई गरीब देश भी पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत से आगे नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंगोला, वनातू और साओ टॉम प्रिंसिपे जैसे गरीब देशों की स्थिति भारत से कहीं बेहतर है। अंगोला में पर कैपिटा इनकम $3,505 है, वनातू में $3,188, जबकि साओ टॉम प्रिंसिपे में पर कैपिटा इनकम $2,696 है। लेकिन भारत ने ये टारगेट सेट किया है कि साल 2047 तक वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में देखना चाहता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे में भारत को अपनी पर कैपिटा इनकम को $13,000 रखनी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।